भोजन स्वाभाविक भोजन से, सब्जियों से, दालों से, सभी से हमें जो है उम्मीद होता है। ठीक है, या प्लेट पर रीड करें, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हमें कितनी कितनी मात्रा में लेने चाहिए। रीड करिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एक इंसान के भोजन में प्रोटीन 70 से 100 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 400 से 700 ग्राम, ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है और तत्वाशी को बनाती है। सभी कर ले, अच्छे से हम विटामिन ले चुके हैं, वो का
भोजन वह खाने वाली वस्तु है जो हमारे शरीर में जाकर शरीर का भाग बन जाती है। क्या है? खाने की वस्तु जो शरीर में जाकर उसका भाग बन जाती है। संतुलित भोजन में क्या क्या आते हैं? प्रोटीन, चिकनाई, खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड, सभी किसमें आते हैं? संतुलित संतुलित भोजन में ये दूध में सभी कुछ होता है। संतुलित भोजन में के विभिन्न क्या क्या रहते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, चिकनाई, विटामिन। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, वनस्पति और पशु प्रोटीन। वनस्पति प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलते हैं? सोयाबीन, मूंगफली, बादाम, अखरोट, गेहूँ, बाजरा, मक्का। मक्की होती है, उससे हमें क्या मिलते हैं? वनस्पति प्रोटीन। पशु प्रोटीन मांस, अंडा, मछली, दूध। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो रोग भी तो हो सकता है ना। किसी चीज की कमी हो जाती है, रोग हो जाता है। उससे कौन सा रोग होता है? सोका, जो कमजोर होते जाते हैं। बॉडी आगे बढ़ती है, बॉडी घटती जाती है, उससे हमारी प्रोटीन की कमी। हमारी बॉडी में प्रोटीन कम है, हमें वो चीज़ें खानी चाहिए। डॉक्टर के पास डॉक्टर दवाइयाँ दे देंगे, वो दवाइयाँ में भी प्रोटीन होगा। हमें अपनी बॉडी में लिमिट में हर चीज़ की चाहिए। अगर इसकी कमी हो जाती है प्रोटीन की, तो ये सोका जो है बच्चों में कमजोर होने का वो हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट की कहाँ से मिलते हैं? अनाज, गुड़, चीनी, शकरकंदी, ठीक है, इससे मिलते हैं अनाज। अनाज में दालें, सभी चीज़ें आ जाती हैं। गुड़, चीनी, शकरकंदी, इसमें घास भी होती है। कौन कौन से विटामिन पानी में घुलनशील हैं? बी और सी। तो बी और सी विटामिन है, वो पानी में घुलनशील। विटामिन जो है कितने प्रकार के होते हैं? छह प्रकार। बाकी जो विटामिन है ए बी ई के, ये चर्बी में, चिकनाई में घुलनशील, ठीक है। कुछ पानी में घुलनशील है, बी और सी पानी में, जैसे रोटी है, रोटी में विटामिन बी और सी होता है, वो पानी में घुल जाता है। तले में, पूरी में ए ई के बाकी विटामिन होते हैं, वो आपके पूरी में होते हैं ए बी ई के, वो चिकनाई में घुल जाते, ठीक है। वो अगर तेल डालते उसमें घुल जाता है, पानी में नहीं घुल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हम पानी में पूरी नहीं होती ना, तो बी और सी ही, बी और सी विटामिन जो है किसमें घुलते हैं? पानी में। बाकी विटामिन ए बी ई और के इसमें है, चर्बी में घुलनशील हैं। प्रोटीन कौन से तत्वों से मिलकर बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गंधक। अभी किया था ना आपने, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। एक सामान्य व्यक्ति के भोजन में कितनी होती है? चिकनाई 50 से 75 ग्राम, 50 to 75 ग्राम। क्योंकि वो घी जैसे ही रोटी में लगाते, सब्जी में तड़का लगाते, ज़्यादा नहीं खाते, वो भी काफ़ी चिकनाई आती है ना, ठीक है। हमारे शरीर में, हमारे शरीर की भार, भार से
कितना मान लो, जितना मान लोगे उसे 2/3 75%। ठीक है, हमारे भारत से ये पानी इसमें बॉडी में जीवन तत्व किसको कहते हैं, विटामिन को जीवन तत्व कहा जाता है। बेरी बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। अंधराता जो हमें रात होती है तो दिखाई नहीं देती, वो किसे होता है, विटामिन ए की, बेरी बेरी बी की अंधराता ई की। एक बार अपनी बुक से सभी रीड करें, जो जो है इनको देखें जल्दी से, अपनी बुक से रीड करें। मिलता है और उसमें संपूर्ण भोजन डालता है।
में विटामिन ए। एक बार रीड करें। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? भाप द्वारा। क्या है? भाप द्वारा, स्टीम द्वारा। गंधक का लाभ, गंधक क्या करता है? खून को साफ करता है। भोजन खाने के नियम क्या है? कैसे खाना चाहिए? चुपचाप और चुपा कर धीरे धीरे से, चुपचाप और चुपा कर। हड्डियों और दांतों का विकास कैल्शियम और फास्फोरस से, कैल्शियम और फास्फोरस से। तो ये था हमारा भोजन और उसकी पौष्टिकता। हमने इसमें भोजन क्या होता है, क्यों करते हैं, पानी के लाभ, पानी की हानियाँ, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई और विटामिन, कितनी प्रकार के होते हैं? छह। ठीक है, कहाँ कहाँ से मिलते हैं? स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, सोडियम, पोटाशियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, गंधक, क्लोरीन। भोजन नियम, ठीक है, पकाने में ढंग, सबसे सर्वोत्तम ढंग भाप द्वारा, ठीक है, संतुलित भोजन, दूध ही संतुलित भोजन। अब आप एक बार इनको रीड करें और मुझसे पूछिए, अगर कुछ इसके बारे में आपने इस लेसन के बारे में कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते, ठीक है, कर लो रीड एक बार, हम दोबारा थोड़ा सा इस पर रिपीट कर देंगे, ठीक है, जो जो हमने उन्हीं से। अब आपने प्रैक्टिकल की फाइल भी अपनी कंप्लीट की सभी बच्चों, ठीक है, एक साथ मिलकर आगे पहले रीड कर लें। हाँ मैडम, आप जो लेसन आपका सेकेंड, कोई प्रॉब्लम है तो आपने जितना भी लेसन पढ़ा है एक बार ध्यान से देखना, सुनना, फिर आप इनको लिख सकते, यही सारा इसमें भोजन और पौष्टिकता में, ठीक है ना। हमारा भोजन क्यों जरूरी है, कैसे खाना है, ज़्यादा नहीं खाना, कम नहीं खाना, ठीक है, हर चीज़ का बैलेंस होना, जब छोटे उसका बैलेंस होना, अगर बैलेंस हल्का सा लगकर आ जाए तो गिर जाता, तो इसका बैलेंस बना है हर चीज़ का, अपना भी और खाने का भी, ठीक है, और प्रैक्टिकल फाइल भी कंप्लीट करनी है, ठीक है, सभी साथ साथ लिखते जाए और उनकी पिक्चर भी लगा और मेरे को चेक भी करते, ठीक है मैडम।